दुखी देखकर किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के नाथ नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा पदम थे और बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुत करने लगे कि हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत, वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुन विष्णु भगवान कहने लगे कि हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है, किस कार्य के लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है, यह सब विस्तार से कहो। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहो। श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए यह तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष नाम वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुन नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया है तथा किस दिन यह व्रत करना चाहिए, यह सब विस्तार से कहो। तब श्री भगवान कहने लगे कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन धर्म परायण होकर भगवान का पूजन करे। भक्ति भाव से नौवेद, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर जावे। अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खावे। सारा दिन भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। ऐसा करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है और विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति इतिहास समूचे प्रथमो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जा रहे हैं। इन्हें के कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर आया और मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जिस धन की मुझे प्राप्ति होगी, उसी से भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। ऐसा निश्चय कर लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखकर वह ऐसे सुंदर नगर में पहुंचा जहां धनवान लोग रहते थे। वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह दाम ले और उत्पन्न होकर पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आया और अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष नाम वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति इतिहास समूचे द्वितीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। उसके पत्नी कमल के समान मुख वाली स्त्री साध्वी थी। भद्रशीला नदी के तट पर उन्होंने
बाबा की जय, दुर्गा मैया